तो दोस्तों देखिए, मेरे हस्बैंड जी अब कोड़ रहे हैं, वहाँ पे गड्ढा कर रहे हैं जिसमें आधी रोपेंगे। तो देखिए, इधर कोड़े हुए थे और अभी उधर कोड़ेंगे। कोड़ के पूरा कंप्लीट कर दिया, देख ही सकते हैं आप लोग। और बहुत तेज धूप हो चुका है दोस्तों। देखिए प्रीति जी गोबर दे रही है इसमें। हेलो दोस्तों, स्वागत है नीतीश प्रीति ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 8 बज चुके दोस्तों, हमारी ओर से आप सबको को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दोस्तों अपने अपने जिंदगी में सब खुश होंगे। दोस्तों अभी गए थे बारी और बारी से काम करके आए हुए हैं। अभी दोस्तों बारी में अदरक लगा रहे तो वहीं पे गए हुए थे और अभी खाना खाने के लिए आए हुए दोस्तों, और खाना खा के फिर से जाएंगे। दोस्तों आप लोग को दिखाते जो हम लोग चूल्हा बना रहे थे मिट्टी का, अभी दिखाते दोस्तों अभी कैसा दिख रहा है, अभी सूखा हुआ नहीं दोस्तों। दोस्तों यही चूल्हा बना रहे थे और इधर एक देखे दोस्तों छोटा चूल्हा बन के रेडी हो गया, एक चूलिया आ रही दोस्तों, दो चूलिया है। अभी देखिए मिट्टी से ही दिए हुए थे तो ये फट गया है, तो हल्का सूखेगा तो दोस्तों फिर इस पे निपेगी अच्छा से, निपने कोवर से निपने के बाद दोस्तों ये सही हो जाएगा और खूबसूरत दिखने लगेगा। और दोस्तों अब चलते हैं, खाना खा के निकलेंगे बाहरी काम करने के लिए। क्या खाना बनाएगी सुबह? माड़ भात और सतुआ की चटनी। माड़ भात और सतुआ का चटनी बना हुआ है दोस्तों, पहले चलते हैं खा लेते हैं फिर जाएंगे बाहरी काम करने के लिए। दोस्तों फाइनली बारी पहुंच गए और दोस्तों सुबह जो गड्ढा खोद के गए थे जिसमें लगाएंगे आदि और रोपेंगे दोस्तों, तो अभी आप लोग को चलिए दिखाते हैं कितना सारा गड्ढा खोदे हुए हैं। और मम्मी अभी खाना खाने के लिए गई है, मम्मी खाना खा के आ जाएगी तुरंत दोस्तों। देखिए दोस्तों इतना सारा खोदे हुए थे, देखिए इस तरह का गड्ढा करते हैं दोस्तों, बस ज़्यादा नहीं इतना इतना ही, और इतना सारा किए हुए हैं। और अभी देखिए प्रीति जी गोबर दे रही है इसमें, वो गोबर है दोस्तों। दोस्तों देखिए इधर कोड़ना बाकी है जो कि कोड़ेंगे अभी, और धूप हो गया दोस्तों इधर बाकी है कोड़ने के लिए। और चलिए दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं जो अदरक हम लोग बोलते हैं, आप आदि भी बोलते हैं, देखिए ये आदि है, यहाँ पे रखे थे गड्ढा में खोद के, यहीं पे रखे दोस्तों, घर में नहीं रखते हैं आदि का, जो बिहीन रखते दोस्तों यहीं पे रखते। देखिए उधर भी एक धामा है और इसमें एक मोनी भर के चलते हैं अब कोड़ने के लिए, और कोड़ के तुरंत हटा देंगे, ज़्यादा नहीं है फिर भी आधा बारी बचा हुआ है, आधा कोड़े हुए थे सुबह ही। और कोड़ने के बाद फिर खाना खाने गए तो दोस्तों फिर खाना खा के आए और अभी मम्मी गई खाना खाने के लिए। और इधर देखिए दोस्तों ये रहा गोबर जो कि प्रीति जी भी धामा में भर रही है, और गोबर के साथ साथ दोस्तों खाद भी इसमें देना पड़ता है। देखिए हल्का हल्का गोबर देते हैं, देखिए ज़्यादा नहीं हल्का हल्का, यहाँ तक दे चुकी है और इधर दे रही है, बस एक मुट्ठा करके गोबर देते हैं। इतना बड़ा बारी में आज अदरक लगाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरे हस्बैंड जी अब कोड़ रहे हैं, वहाँ पे गड्ढा कर रहे हैं जिसमें आधी रोपेंगे। तो देखिए इधर कोड़े हुए थे और अभी उधर कोड़ेंगे, देख सकते हैं किस तरह से कोड़ रहे हैं। देखिए पूरा इसी तरह से कोड़ना है, और इधर भी देख सकते हैं कोड़ना है पूरा, और हम गोबर दे रहे थे अभी, और अभी पूरा देना है गोबर इधर। गोबर देने के बाद फिर खाद देंगे, और देखिए इधर कोड़ रहे हैं। इसको रोपने के बाद ना फिर इसमें पल्हा ढाकना पड़ता है, तो फिर पहले पूरा रोप लेते हैं और जा रहे फिर हम गोबर देंगे, तब तक मेरे हस्बैंड जी इधर कोड़ेंगे तो फिर फटाफट रोप लेंगे। और इधर देखिए बकरी ला के बांध लिए हैं, चल रही है उधर, दोनों तीनों बच्चा भी है बकरी का उधर देख सकते हैं। दोस्तों फाइनली कोड के पूरा कंप्लीट कर दिया, देख ही सकते हैं आप लोग। और बहुत तेज धूप हो चुका है दोस्तों, उधर मम्मी भी आ गई है, और मम्मी उधर देखिए अदरक रोप रही है उधर मम्मी, और इधर प्रीति जी गोबर भी दे रही है, इधर जिधर भी कोड़े उधर तो गोबर देना कंप्लीट हो गया था दोस्तों, और अभी यहाँ पे तो गोबर दे रही है दोस्तों। अभी आप लोग को दिखाते हैं कि मम्मी कैसे अदरक रोप रही है। हुआ देना है कितना बचा हुआ है? चार, वो उतना बचा उतना ना,
मम्मी देखिए अदरक लगा रही है, ये रहा अदरक दोस्तों जो बालू में रखते हैं, गड्ढा खोदने के बाद बालू डालने के बाद फिर अदरक डालने के बाद फिर से बालू फिर से ऊपर से मिट्टी से ढक के रखना पड़ता है अदरक को भी, अदरक का जो बिहीन होता है। और देखिए मम्मी लगा रही है कैसे छोटा छोटा टुकड़ा करके लगा रही है, छोटा छोटा टुकड़ा करके रोप रही है। और अभी रोपते हैं दोस्तों तो फिर छठ पूजा के टाइम में ही हो जाता है तब तक, और छठ पूजा में होता है तब बेचते हैं उस टाइम। देखिए दोस्तों टुकड़ा टुकड़ा करके फिर रोपने के बाद फिर मिट्टी से ढक देती है, और ऐसे ही सारा रोपना है दोस्तों। दोस्तों फाइनली सारा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है बस एक पारी, ज़्यादा नहीं दोस्तों 10-12 है। और अभी आप लोग को दिखाते दोस्तों पूरा कंप्लीट हो चुका है रोप के, और इधर बस यहाँ कोना में थोड़ा सा बचा हुआ है जो कि कंप्लीट हो जाएगा। और फिर दोस्तों प्रीति जी अब जा रही है खाना बनाने के लिए, अभी दोपहर का खाना बनाएगी, लगभग बज गया दोस्तों 11:30 से ज़्यादा बज चुका है। क्या क्या खाना बनाएगी अभी? चावल दाल सब्जी। चावल दाल सब्जी, सब्जी क्या चीज़ का बनेगा दोपहर का? आलू और सोयाबीन। आलू और सोयाबीन का सब्जी बनेगा दोस्तों। दोस्तों फाइनली सारा कंप्लीट हो गया रोप के, इधर देखिए मम्मी जी, अब मम्मी भी घर जाएगी। और देखिए दोस्तों पूरा एकदम जितना दूर तक कोड़े हुए थे उतना दूर तक सारा आधी रोप दिए। और दोस्तों भी इस पर अब आधी रोपने के बाद दोस्तों इसे पलहा से ढकना पड़ता है। ला रही मम्मी देखिए ढक रही है, ऐसे ही सारा पलहा से इसको पूरा ढक देंगे, पूरे पूरे में इसको ढकना है पलहा से दोस्तों, तब आधी अच्छा होता है। ठीक रहा दोस्तों सखुआ का पलहा, इसी से सारा ढकना पड़ेगा वहाँ ले जाके, और सारा ढक देंगे दोस्तों तो कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों प्रीति जी गई है घर खाना बनाने के लिए दोपहर का, और देखते दोस्तों प्रीति जी भी घर में क्या क्या खाना बना रही है। तो पहले चलते दोस्तों घर, मम्मी भी जा रही है और बकरी लेके भी चली गई। दोस्तों फाइनली घर पहुँच गया और दोस्तों खाना बन के रेडी है, दाल चावल और साथ में दोस्तों सोयाबीन और आलू का भुजिया है। दोस्तों अब चलेंगे खाने के लिए, और दोस्तों आज के वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, और इस चैनल पर जो नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय जवाहर।